तापसी पन्नू स्टारर फिल्म थप्पड़ इस फ्राइडे को रिलीज होने जा रही है, लेकिन दो दिन पहले हम आपके लिए लाए हैं रिपोर्टर्स रिव्यू, तो आइए जानते हैं उनको फिल्म कैसी लगी। मुझे ना एक्चुअली सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, मतलब कि ये इसको औरत के रिस्पेक्ट से कनेक्ट किया है कि अगर कोई हाउसवाइफ है या हम हमारा घर संभाल रही है, अभी जैसे हमारी माँ हमारा घर संभाल रही है तो हम लोग उसको कितना रिस्पेक्ट करते हैं। सेम वे में एक वाइफ जब हाउसवाइफ बनती है तो वो अगर घर से हट जाए तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है, तो उसको रिस्पेक्ट करो, थप्पड़ मत मारो, क्योंकि उसको थप्पड़ मारा इसका मतलब तुमने एक मतलब ना घर के हेड को थप्पड़ मार दिया, भले फिर वो वाइफ हो, वो माँ हो या बहन हो। तो ये चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया है, रिस्पेक्ट से कनेक्ट किया है थप्पड़ को, लेकिन थप्पड़ की गूंज डाइवोर्स तक वो थोड़ा गलत लगा मुझे, वो उतना नहीं अच्छा लगा कि ठीक है थप्पड़ मारा गलत था, वो उसको सल्यूशन निकाला जा सकता है, और मतलब अगर आदमी बोल रहा है कि मेरे से गलती हो गई तो उसको दूसरा चांस दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हाँ प्यार नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर प्यार में तो सब कुछ चलता है थोड़ा बहुत, थप्पड़ से ताइवस तक वो थोड़ा मामला मुझे वो, और काफ़ी मतलब पिक्चर काफ़ी स्लो थी, सीन्स बहुत रिपीट थे, एक ही सीन बार 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 पेपर वाला रोज दिख रहा था। फिल्म बहुत बढ़िया बनी है, एक पारिवारिक माहौल पे फिल्म बनी है, आज का जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो इशू है उस पे बेस्ड है, एक वेरी सीरियस सब्जेक्ट को एक अच्छी तरह से पेश किया गया, उसका विषय ही सबसे अच्छा पार्ट है। आजकल जो चल रहा है दौर चल रहा है, जैसे माहौल पारिवारिक माहौल में मियाँ बीवी के दरमियान जो झगड़े होते हैं उससे उस सिलसिले में अच्छी बनी है। जो फैंस को यही कहूँगा कि अगर आप डिवोर्स के विचार कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, इस फिल्म को देख के आप डिवोर्स का विचार न करें। So it's an amazing film, and I was rolling down with tears throughout the film, and which is giving a wonderful message, because I just had some interviews, I was just talking to few of my family members, few of my maids, and they're like, there's nothing wrong, domestic violence is so common, it should happen, and I'm pretty sure this movie will bring in change in the society, because it's not only in the higher society, in the lower society, it's everywhere, you know, and people should change their perspective, and I hope this movie is going to be the big thing. Let's hope for the best then. अच्छी है movie, justified है काफी अपने content को लेकर, पर थोड़ी सी स्लो है। वेल, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि प्रोमो को साइड में रख दीजिए, प्रोमो से जो बिना मतलब के हाइप जो लोगों ने क्रिएट की है या जो ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं उसको देखकर मत जाइए, जाइए प्योरली एक मूवी की तरह से उसका मज़ा लीजिए। जी मुझे बहुत अच्छी लगी थप्पड़। जब आप देखने जाएंगे तो ये मत सोच के जाइएगा कि हम बॉलीवुड की कोई एंटरटेनिंग वाली फिल्म देखने जा रहे हैं, एक बहुत खूबसूरत सा सिनेमा और बॉलीवुड में बहुत कम बनता है, और अनुभव सिन्हा हैं वो एक अलग सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें वो आर्टिकल्स की बात करें, वो आर्टिकल 15 बनाते हैं, वो बनाते हैं मुल्क, वो बना रहे हैं अब थप्पड़। बहुत छोटी सी बात है, आपने ट्रेलर देखा है आपको कहानी पता है, और बहुत ही सिंपल तरीके से वो चीज़ दिखा रहे हैं जब जिसकी चर्चा हम घर में करते नहीं हैं और जिसकी चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। मैं ये मेरे परिवार का एक बहुत किस्सा है, और शायद मुझे पब्लिकली ऐसे शेयर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बताऊंगा कि मेरे परिवार में एक लेडी बहुत बीमार हो गई थी, तो मैं उनको वैद्य के पास ले गया, मैं बहुत डॉक्टर्स को दिखा रहा था, कोई समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ, तो उनको मैं ले गया वैद्य के पास, और वैद्य ने उनकी नाड़ी पकड़ी और कहा कि बहुत कुछ आपके अंदर दबा हुआ है, आप घुट रही हैं, कई चीज़ों को आपने दबाया है, ये बीमारियों का कारण भी बनता है, ये जो छोटे छोटे थप्पड़ होते हैं, ये रोज़ के जो थप्पड़ होते हैं जो हंसी मजाक में, और इनको औरतें दबा लेती हैं अपने अंदर, वो एक बड़ी बीमारी बन जाती है, और आप समझते हैं कि औरतों की बीमारियां होती हैं, ये होती हैं औरतों की बीमारियां जो थप्पड़ हैं। अमेजिंगली क्राफ्टेड, अमेजिंगली में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई है, अच्छा मैसेज है, फिल्म के पीछे का जो इंटेंशन है, सोच है, वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा है, और हमारी जो सोच है कलेक्टिव या इंडिविजुअल दोनों का एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। मस्ट वॉच, यू मस्ट वॉच, इफ यू केयर फॉर गुड सिनेमा, इफ यू केयर फॉर गुड मूवीज, एंड इफ यू वॉन्ट गुड परफॉर्मेंसेज एंड सुपरलेटिव नैरेटिव, ये ऐसी फिल्में आपको मिस नहीं करनी चाहिए। फिर आप औरत हो, मर्द हो, आप भाई हो, बहन हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पिता हो, जो भी है, दिस इज अ मस्ट वॉच फिल्म। मुझे ये बहुत ही अच्छी फिल्म लगी, और
मैं चाहूँगा सभी लोग टाइम निकाल करके इस फिल्म को देखें, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है और एक ऐसे सब्जेक्ट पर इसने फिल्म बनाई गई है, ये फिल्म बनाई गई है जो कि बहुत ही कॉमन है, जो कि कॉमन नहीं होना चाहिए और जो कि नहीं होना चाहिए बेसिकली। तापसी का सेंट्रल रोल है, उसने अच्छी तरह से निभाया है, कहीं भी ओवर एक्टिंग नहीं की, काफ़ी रिस्ट्रेंड रही हैं, इजी और काम परफॉर्मेंस है उनका। वाओ, आई मीन शी इज सो वर्सटाइल एंड शी वाज सो सिंपल, शी वाज सो कैंडिड एंड आई डोंट नो, आई मीन आई एम जस्ट फॉलिंग इन लव विद हर एक्टिंग डे बाय डे। वेल, शी हैज डन जस्टिस टू द कैरेक्टर दैट शी इज गॉट टू पोर्ट्रे, ऑब्वियसली अ वेरी strong woman who doesn't really want any nonsense in her life, you know, I mean somebody who doesn't want to bear it, so yeah, she's justified the character. Bahut acha kaam kiya, dekhiye na main itne usse bol raha hu, wo mere andar se mere parivar ki kahani nikal rahi hai, main us din soch nahi paya tha ki aise thappad bhi honge usme, wo boodhi thi jinko main lekar gaya tha, aise bahut sare thappad bhi honge, ho sakte hain, thappad ka matlab ye nahi ki aap physically hi mare, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो औरत अपने अंदर दबा लेती है, अपनी खुशियों को, अपनी चाहतों को, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, वो जब अपने पति के लिए और अपने बच्चों के लिए जीती है और जब अपने लिए कभी जीना शुरू करती है तो गिल्ट महसूस करती है, वो जो गिल्ट होता है वो कहीं ना कहीं उसको दर्द देता है। ये तापसी और पूरी टीम है, अनुभव की तापसी और पूरी टीम, फिल्म की पूरी टीम का काम है, उन्होंने मेरे अंदर से वो बात निकलवाई है, ऐसे वो सबके अंदर से निकलवाएंगे और लोगों की सोच को कहीं ना कहीं बदलेंगे, सोचने पे मजबूर करेंगे और शायद मैं कभी नहीं किसी को थप्पड़ मारूंगा। शी हैज ब्रॉट हर ए गेम टू द टेबल, आई मीन तापसी इज नोन फॉर, मतलब क्या आयुष्मान खुराना और तापसी, अमेजिंग चॉइसेस यार, अमेजिंग चॉइसेस, और ये फिल्म वो डिजर्व करती है, ये फिल्म को तापसी पन्नू भी डिजर्व करती है। तापसी हमेशा से उन्होंने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है और अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए हैं, एंड शी इज़ डन जस्टिस टू ऑल ऑफ देम एंड शी इज़ अ वेरी ब्रेव एक्टर टू चूज सब्जेक्ट्स एंड डू इट। 3.5 मुझे लगता है इस फिल्म को रेट करना चाहिए, बट हाँ 5, क्योंकि एक बहुत बहुत अमेजिंग फिल्म है, प्लीज देखो, प्लीज देखो, प्लीज। थप्पड़ बस इतनी सी बात नहीं है, जी हाँ, क्योंकि तापसी पन्नू ने ये बिल्कुल ही सही कहा है। आप भी जाइए थिएटर्स में, देखिए कि थप्पड़ मूवी कैसी है और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक बने रहिए बॉलीवुड नाउ के साथ। दिस इज़ पूजा पटेल, यस साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन फैजान।